नमस्कार दर्शकों, लाइफ टाइम सीवी में आपका स्वागत है। इस समय हम शिमला के सदर थाने में, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि यहाँ पर शिमला पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह से बैटरियों का, आप देख रहे हैं, जखीरा पकड़ा है। काफ़ी मात्रा में यहाँ पर बैटरियाँ बरामद की गई हैं। जिस तरह से आपको मालूम ही है कि ये चोर गिरोह काफ़ी दिनों से शिमला में सक्रिय था। वाहनों की बैटरियां यहां आए दिन चोरी हो रही थी, और आज शिमला पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बैटरी चोर गिरोह यहां पर जो वाहनों की बैटरियां चुराता था, आज पकड़ा गया है। आप देख रहे हैं इस समय करते शुरू। अभी 2 तारीख को हमने FIR रजिस्टर किया था। राजेश सकलानी नामक व्यक्ति हैं, केल्टी निवासी। उनकी तरफ से हमें सूचना प्राप्त हुई थी, उन्होंने एक शिकायत दी थी कि इनके गाड़ी की बैटरी चोरी हुई केल्टी में, और इनके साथ साथ जो है 7-8 लोगों के और लोगों की जो है गाड़ियों से जो है बैटरी चोरी हुई है। तो जिस पर हमने इसमें FIR थाना सदर में दर्ज करके इसका अन्वेषण हमने प्रभारी चौकी लकड़जार को सौंपी थी, और एक हमने जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और इसमें जो एक हमने जो है एक इन्वेस्टिगेशन दल बनाया, और थाना प्रभारी सदर के नेतृत्व में और प्रभारी चौकी हमारे भागीरथ हैं ASI, इनके नेतृत्व में हमारे टीम ने जो है बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। और त्वरित कार्रवाई करते हुए, और जबकि हमारे पास ऐसे क्लूज कोई नहीं थे, फिर भी जो है हमने CCTV और दूसरे माध्यमों से और दूसरे इनपुट्स के माध्यम से हमने ये जो चोर इसमें हमने जो बैटरी यहाँ से चोरी करते थे शिमला से, इनको पकड़ा है। तो हमने इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो हमने उसी दिन जो है 3 तारीख को जो है सुबह अविलंब जो है हमने 4 लोगों को इनकी जो है घेराबंदी करके इनको पकड़ा है। ये लोग जो है इनमें से दो व्यक्ति एक जो है लोकल है, मशोबरा क्षेत्र का है, दुर्गापुर का, और एक दिल्ली एरिया का है, दुर्गापुर का, और बाकी 2 जो है वो ये मूलतः जो है हरियाणा के रहने वाले हैं, लेकिन ये चलौंठी में रहते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं पीछे जो है, ये 4 लोगों को जो हमने पकड़ करके जो है इनसे पूछताछ जो है कड़ी पूछताछ की। तो पूछताछ के आधार पर मालूम हुआ कि ये जो बैटरीज है, यहाँ से जो बैटरीज चोरी करके शिमला से ले जाते थे, ये हरियाणा में जा करके जो है ये बेचते थे। तो हमने वहाँ से जो है तुरंत जो है यहाँ से एक दल जो है पुलिस दल जो है रवाना किया, चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में, भागीरथ जी के नेतृत्व में, और यहाँ पे जो बिटना हरियाणा में जो बॉर्डर है, जो इसमें पंचकूला के पास जो है बिटना जगह है, वहाँ से जो है एक व्यक्ति है वहाँ पे जिसका जो है जिसने ये सारी बैटरियाँ जो है लीक खरीदी थी इनसे, हरिलाल नामक व्यक्ति को भी जो है वहाँ से इमिजिएटली जो है इन बैटरीज के साथ गिरफ्तार किया है। तो इस तरह से जो है अभी तक हमने जो है 28 बैटरीज इनसे रिकवर की है, जो अलग अलग जगहों पर जो है इन्होंने जो है गाड़ियों से निकाल करके चोरी करके जो है यहाँ से ये हरियाणा लेकर के इनको बेचा था इन्होंने। पहले भी इस तरह की घटनाओं में इनसे अभी पूछताछ जो है लगातार जारी है। ये आप देख रहे हैं जैसे ये FIR हुआ था, इसके अतिरिक्त भी जो और भी जो केसेस में ये लोग संलिप्त हैं, तो वो सारी चीज़ें हम खंगाल रहे हैं, और इनसे हम लोग इंटरोगेशन कर रहे हैं और सारी चीज़ें देख रहे हैं। हाँ, ये अभी तो इसको हम बोलते हैं गिरोह बोल सकते हैं कि क्योंकि ये लोग इकट्ठे मिलकर इन्होंने जो है ये इस काम को अंजाम दिया है। हाँ नहीं, गिरफ्तारियाँ हमने जो है 4-5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर ली है, तो इसके अतिरिक्त अभी फिलहाल इसमें कोई और नहीं है बाकी। और इसमें जो वाहन इन्होंने प्रयुक्त किया है इन जो बैटरीज को जो है ले जाने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, उसे भी हमने रिकवर कर लिया है। कॉस्ट ये एक बैटरी की कीमत मेरे ख्याल से 3,500-4,000 रुपये अलग अलग इसकी कॉस्ट है, 3,500-4,000 के बीच जो है एक एक बैटरी की कीमत है, कुछ ज़्यादा भी है।
और जिस तरह से एएसपी सुनील नेगी ने बताया, यहाँ पर 5 लोग पकड़े गए, 28 बैटरियाँ यहाँ पर बरामद की गई हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये बैटरी चोर गिरोह पकड़ा गया है। तो दर्शकों, अभी तक इस लाइव स्ट्रीम में इतना है, फिर मिलेंगे नई खबर नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।